अब्दुल्लागंज से इंदौर अपने भाई के यहाँ मां को लेकर आए हलवाई ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि युवक की शादी नहीं हो पा रही थी, इसे लेकर वह परेशान था। फिलहाल लसूड़िया पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक हलवाई की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक का नाम दीपक बरखने, उम्र 30 साल है। वह अपने छोटे भाई के यहाँ मांगलिया में मां के साथ मिलने 2 दिन पहले आया था। वह वापस अपने गांव अब्दुल्लागंज रायसेन जाने की तैयारी में था, लेकिन अचानक ही गुरुवार शाम घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों और पुलिस का कहना है कि मृतक दीपक अविवाहित था। अपने छोटे भाई का परिवार बसा हुआ देखकर वह दुखी महसूस करता था। छोटे भाई प्रकाश ने बताया कि शादी नहीं होने के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। फिलहाल लसूड़िया पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब्दुल्लागंज से रसूली अपने मांगली आए थे, मिलने आए थे। हाँ, मिलने आए थे। ये शादी हुई नहीं थी, उसके कारण टेंशन ले लिया हुए। तो थाना लसूड़िया पर सूचनाकर्ता प्रकाश बरखने ने सूचना दिया कि मेरा भाई दीपक बरखने, जो कि अंबेडकर पार्क अब्दुल्लागंज जिला रायसेन का रहने वाला है, अपनी मां के साथ 2 दिन पूर्व ही घर पर मिलने के लिए आया हुआ था। जो कल मां छोटे भाई शैलेंद्र से मिलने गई, तो कल शाम को 6 बजे के आसपास मृतक दीपक ने अपने घर में फांसी लगा ली। मृत्यु का कारण अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मृतक की शादी नहीं हुई थी, उम्र करीब 30 साल हो चुकी है उसकी। संभवतः उसके परिजन ऐसा ही बता रहे हैं कि उसकी शादी नहीं हुई थी और इसलिए थोड़ा व्यथित था।